बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया। अभी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। दो और आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ के समय एक महिला की भी मौत हो गई। आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद श्रीनगर के बटामालू इलाके में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा बल को कामयाबी मिली है। एक आतंकवादी मारा गया है, जबकि दो और आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। मुठभेड़ में एक जवान घायल भी हुआ है। हमारे सहयोगी रिफत फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, सुरक्षा बल को कामयाबी मिली है, एक आतंकवादी मारा गया है, अभी क्या स्थिति है? क्या अभी भी फायरिंग चल रही है? देखिए जसप्रीत, बिल्कुल अभी फायरिंग शुरू हुई है फिर से, और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि रात के दौरान ही कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है ये शुरू किया गया था, क्योंकि पुलिस और सीआरपीएफ का कहना है कि स्पेसिफिक उनको इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। अभी ट्वीट जो पुलिस ने किया, और पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है, लेकिन साथ ही जो है एक्सचेंज ऑफ फायर में एक लेडी की भी मौत हुई है और एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है सीआरपीएफ का वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, लेकिन अभी लगातार ऑपरेशन जारी है। एक लंबे अरसे के बाद इस एरिया में जो है ये एनकाउंटर हो रहा है। ये काफी गुंजान आबादी वाला इलाका है, घर बिल्कुल नजदीक है, तो अभी इस ऑपरेशन में काफी टाइम इस वजह से लग सकता है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज काफी गुंजान आबादी वाला इलाका है। चलिए रिफत, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे हम।